अगर आपके आधार कार्ड को बने हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं तो आपको अपने आधार कार्ड में आईडी और एड्रेस प्रूफ को अपडेट कराना होगा। ये आप अपना घर के नजदीकी आधार सेंटर से भी करा सकते हैं, जहां पर आपको ₹50 चार्ज देना होगा और आप इसको घर बैठे खुद से ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जहां पर आपको ₹25 चार्ज देना होगा। लेकिन UIDAI ने अब इस चार्ज को एकदम मुफ्त कर दिया है, आप घर बैठे फ्री में अपने आधार कार्ड में एड्रेस और आईडी प्रूफ को अपडेट कर सकते हैं। तो इसकी क्या प्रोसेस है, अगर आपको भी ये जानना है तो उसके लिए इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच करते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सर्च करना है UIDAI, आपके सामने इस तरीके की वेबसाइट आएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां से आपको अपनी लैंग्वेज चूज कर लेना है, तो आप आधार कार्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, आपको अपडेट आधार वाला ऑप्शन मिलेगा। इसमें ऑप्शन मिलता है अपडेट डेमोग्राफिक डाटा का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके का पेज आएगा, यहां पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। इस तरीके का पेज आएगा, यहां पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद इस कैप्चा को यहां पर फिल करना है, सेंड OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको यहां पर डालना है, फिर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा, आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके आना है। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट अपडेट का, और यहां पर साफ साफ लिखा गया है दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/6/2023, यानी 14 जून 2023 से पहले आप अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपडेट कर लेते हैं तो उसके लिए आपको ₹1 भी चार्ज नहीं देना होगा। तो डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए आपको सिंपल सा डॉक्यूमेंट अपडेट पर क्लिक करना है। इस तरीके का पेज आएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहां पर आपके आधार कार्ड की जो भी डिटेल्स होगी वो शो होने लगेगी, जैसे कि आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस। उसके बाद आपको आई वेरीफाई का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको देखिए डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 2 MB होना चाहिए मैक्सिमम, और उसका जो फॉर्मेट है वो JPEG, PNG और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट है तो आपका ये अपलोड नहीं होगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। आप आइडेंटिटी प्रूफ में अपना ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, कोई भी मार्कशीट दे सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, यदि आपका जाति प्रमाण पत्र बना है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, स्कूल की जो TC होती है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, यहाँ पर जो भी है आपसे पूछा गया है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो वो आप लगा दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करना है, और यहां से आकर आपके स्मार्टफोन में जहां कहीं भी आपका डॉक्यूमेंट पड़ा हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जैसा कि देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है, यहां पर 100% भी लिखकर आ गया है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट वैलिड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, और यहां पर भी पूरी लिस्ट दी गई है, इसमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट आईडी कार्ड, बिजली का बिल, अपनी बैंक की पासबुक, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और भी कई सारे पूछे गए हैं। तो इनमें से आप कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जो भी देना चाहते हो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऑप्शन मिलता है व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट का, इस पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लीजिए। दोस्तों देखिए जैसा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है, आपको नीचे ऑप्शन मिलता है आई हेयर बाई का, इस पर आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, आपको यहां पर ओके पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, यहां पर लिखकर आ रहा है दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/6/2023। आपको यहां पर अब कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, पहले आपको ₹25 का पेमेंट करना होता था। नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपके सामने सही का टिक बनकर आ जाएगा और एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप वाला पेज आएगा, यहां पर आपका लिखकर आ गया है ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस, यहां पर डेट एंड टाइमिंग लिखी हुई है और अमाउंट 0 लिखा गया है, यानी ₹1 आपसे नहीं लगा है। आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। इधर से आप अपनी स्लिप एक डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको SRN नंबर मिलता है जिसके जरिए आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों इस तरीके से आप फ्री में अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मन में कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।